Welcome to the class 4, chapter 5, clothing a basic need. In the previous video, we have discussed about the seasonal clothes and the special purpose clothes. And today we will discuss about the types of fibers. Mainly we have two types of fiber, natural and synthetic. Natural कौन से होते हैं? Natural can be made from the products of plants and animals. जो हमें कहाँ से मिलते हैं? Animals से या फिर plants से. We get cotton, jute, cure एंड लाइनिंग फ्रॉम द प्लांट्स. जूट है जो कॉटन है या क्योर है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. क्योर बोलते हैं नारियल की, कोकोनट की जो बाहर वाली हार्ड कवरिंग होती है. सो इट इज यूज टू मेड डोर मैट्स और मैट्रेसेस. मेनली इसके क्या बनते हैं? डोर मैट्स. ये कॉटन दिखाई गई है, ठीक है. कॉटन बॉल से हमें कॉटन मिलती है. जूट हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम, जूट प्लांट के स्टेम से. एंड क्योर हमें कहाँ से मिलता है? कोकोनट के हेयर से, बाहर वाली स्किन को उतार के. सो फाइबर लाइक वूल, सिल्क, फर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल. ये वाले कहाँ से मिलते हैं हमें? जूट, कॉटन प्लांट से. एंड एनिमल से हमें कौन से मिलते हैं? जैसे वूल है, सिल्क या फिर फर. लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स की स्किन से. जैसे बफेलो, क्रोकोडाइल, इनकी स्किन से क्या बनते हैं? लेदर के शूज बनते हैं, हमारी जैकेट्स बनती हैं. ये सारे फाइबर्स हमें यहाँ से मिलते हैं. सिल्क देख सकते, ये हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. एंड वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप या फिर कैमल की फ्लीस से. फ्लीस का मतलब होता है स्किन के साथ जो हेयर आते हैं, अ लेयर ऑफ स्किन विद अ लॉट ऑफ हेयर, जिसके हेयर के साथ एक पतली लेयर उतारी जाती है स्किन की, दैट इज कॉल्ड फ्लीस. नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या है? हम इसे मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. ये हम खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. जैसे कि नाइलॉन, लाइरा, लाइसा, रियॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है. ये क्या है? इनकी स्पेशल कुछ क्वालिटीज होती हैं. ये वाटरप्रूफ होते हैं, इजीली ड्राई हो जाते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, और ये स्ट्रेचेबल होते हैं. और नेचुरल फाइबर से क्या होते हैं? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. बट ये क्या है? हमारे स्वेट को, पसीने को नहीं सोखते इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर्स. जैसे नायलॉन की ये शर्ट है, ठीक है, आप बारिश में पहन सकते हैं या फिर लाइसा. केयरिंग फॉर क्लोथ्स. हमारे जो क्लोथ्स हैं, चाहे वो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं, कैसे किसी भी फाइबर से बने हुए हैं, हमें उनकी प्रोटेक्शन, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? क्लोथ शुड बी वॉश रेगुलरली विद अ माइल्ड डिटर्जेंट टू रिमूव डस्ट, जर्म एंड स्वेट. हमें क्या है? एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें कोई भी सर्फ, जैसे हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल यूज़ करना चाहिए. सिल्क एंड वूलन क्लोथ नीड टू बी क्लीन विद पेट्रोल एंड केमिकल्स. और ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें देना पड़ता है इनको, सिल्क या फिर जो वूलन क्लोथ होते हैं. वुलन एंड सिल्क क्लोथ आर इजिली अटैक्ड बाई स्मॉल इंसेक्ट सच एज मॉथ, सिल्वर फिश. तो इनको बचाने के लिए हम क्या है, इन कपड़ों में क्या रखते हैं? नेफ्थलीन की बॉल्स, या फिर आप ड्राइड नीम लीव्स रख सकते हैं, नीम की सूखी पत्तियां, क्लोज बॉक्स में उसे डाल के अलमीरा में रखते हैं, ताकि वुलन या फिर सिल्क क्लोथ्स को हम इंसेक्ट से बचा सकें. क्लोथ्स को क्या है, हमने सन के अंदर ही क्या है, सुखाना चाहिए, ताकि जो भी जर्म्स हैं क्लोथ्स के अंदर, वो सनलाइट के थ्रू क्या है, ख़त्म हो जाएं, उन किल हो जाएं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू विल डू दिस मैचिंग एंड टिक द करेक्ट आंसर. थैंक यू.